उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस द्वारा हुए लगातार एनकाउंटर के बाद अपराधियों में भले ही खौफ पैदा हो गया हो, लेकिन आलम यह है कि अपराधी अब भी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां वंचित अपराधी ने AK-47 छीनकर 4 राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सिपाही बाल बाल बच गए, लेकिन सिपाहियों ने आरोपी के पैर पर गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अपने साथ लेकर आ रही थी, तभी मोहसिन नाम के एक बदमाश ने AK-47 छीन कर फायरिंग कर दी। 12 तारीख की रात में एक लूट की घटना, एक व्यापारी मिस्टर पांडे थे जो नयागंज से लेकर के अपने श्याम नगर स्थित मकान पर जा रहे थे। मकान पर पहुंचते ही 2 मोटरसाइकिल में 4 बदमाशों ने उनको घेर करके गन पॉइंट पर लेकर के लूटने का प्रयास किया था। बहुत साहसिक कार्य करते हुए वादी मुकदमा श्री पांडे जी ने अपनी जान जोखिम में डाल करके बहुत ही प्रशंसनीय काम किया और एक बदमाश को पकड़ने में उन्होंने अपनी गाड़ी को पीछा करके और सफलता हासिल की। उसी के बाद से हुई पूछताछ के आधार पर अन्य जो गैंग के मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूटे हुए पूरे माल की बरामदगी की गई, लगभग 4 लाख कैश, और उनसे हुई पूछताछ के आधार पर अन्य लूट की घटनाओं का, जैसे एक 5 लाख की लूट जो किदवई नगर की हुई थी आज से करीब 1-1.5 माह पहले, तो वहाँ पर भी नयागंज से ही व्यापारी गया था और उनकी लगभग 4,80,000 लगभग 5 लाख के आसपास कैश था। उसकी लूट इन बदमाशों ने ही किया था, पूछताछ में आया और तो उस पूरी घटना का अनावरण हुआ। पता चला है कि अपराधी खड़खड़ गैंग के लिए काम करता है और कई लूट के मामले में वंचित चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी, पंजाब केसरी टीवी।